का नाम सुना होगा आप लोगों ने, है ना। जितनी ये बेसिक चीजें हैं ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको लास्ट क्लास में दिखाया भी था कि इनके बिना हम एक प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं होगा तो फिर आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलो अब आपको एक बना लो फाइल स्विच केस नाम से, स्विच केस। सब लोग अभी मैं आपको एक प्रोग्राम भी दूंगा करने के लिए स्विच केस से, ठीक है। एक प्रोग्राम मिलेगा आपको स्विच केस से करने के लिए, घर के लिए दूंगा, वो करके आप लेके आओगे। तो देखो स्विच केस में क्या होते हैं, स्पेशली हम लोग केस चेक करते हैं। देखो ये डे में मैंने क्या लिखा है, वन पी एन वन टू। अब इस डे के अंदर क्या आ जाएगा, पी एन वन टू। अब केस चेक होगा, अब देखो कि पी एन वन टू कहाँ लिखा है, पहले केस नहीं लिखा, फॉल्स हो गया। ब्रेक से, ब्रेक का काम होता है केस से बाहर जाना। फिर यहाँ पे आया सेकंड केस पे पी एन, फॉल्स, ब्रेक से बाहर। फिर इस पे केस पे आया थर्ड पे राम है, केस से बाहर। तो लास्ट में क्या प्रिंट करेगा, एंटर द बैलेट वीक डे। आगे चल के जब रिएक्ट आप सीखोगे ना तो उस रिएक्ट के अंदर हम स्विच केस का यूज करते हैं सबसे ज्यादा। जब उसमें रिडक्स पढ़ोगे ना तो रिडक्स में स्विच केस का यूज होता है, ठीक है। देखो ये आ गया, जहां पे इफ एल्स इफ का यूज करते हैं ना, एल्स इफ का, वहां पे ज्यादातर हम लोग स्विच केस का यूज कर लेते हैं क्योंकि तो स्विच केस बहुत सिंपल होता है, ठीक है। अब देखो, अब मैं यहां पे लिख देता हूं वन टू, तो अब मेरा कौन सा केस ट्रू हो गया, ये वाला मिल गया वन टू। तो प्रिंट क्या होगा, टुडेज ट्यूजडे। अगर मैं यहाँ पे जाकर रन करूँ ब्राउजर पे और रिफ्रेश करूँ, देखो आ गया टुडेज ट्यूजडे, समझ में आ गया स्विच केस। और अगर मैं ये ब्रेक हटा दूँ ना, ये ब्रेक हटा दूँ सारे यहाँ के, तो क्या होगा, ये वाला केस भी प्रिंट होगा और ये वाला केस भी प्रिंट होगा। देखो आप लोग देखो, सारे प्रिंट, ट्यूजडे, वेनसडे, सारे प्रिंट हो गए। ब्रेक का काम क्या होता है, केस से बाहर जाना, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लें, स्विच केस। एक बना लो फाइल नोट के अंदर, जावा स्क्रिप्ट में एक होता है अलर्ट बॉक्स, आपने देखा भी होगा जब एटीएम में जाते हो। तो मैं आपको दिखाता हूं, देखो सिंपल सा, ये बंद किया, रन किया, देखो दिख रहा है, एक पॉपअप आ रहा है, पॉपअप। इसी को हम लोग बोलते हैं अलर्ट बॉक्स, ठीक है। एक पॉपअप आता है एटीएम में, आता है बहुत सी जगह पर, देखा होगा आपने वेबसाइट में, एक ऐसा अलर्ट बॉक्स आता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं अलर्ट बॉक्स। तो इसी पे हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया, मैं लिया ए इक्वल टू 300, बी इक्वल टू 1200, ठीक है। मैं बढ़ा देता हूँ, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे ए बड़ा है क्या बी से, ठीक है, आपको दिख रहा होगा ए बड़ा है बी से, हाँ बड़ा है। तो अलर्ट में क्या प्रिंट होगा, ए इज ग्रेटर देन। अब प्लस क्या लगा है, प्लस में क्या होगा, ए की वैल्यू प्रिंट होगी, ठीक है। प्लस क्या कर रहा है, स्ट्रिंग और ये वैल्यू को जोड़ेगा आपस में, तो आउटपुट क्या आएगा, ए इज ग्रेटर और वैल्यू प्रिंट हो जाएगी ए की। देखो देखो प्रिंट हो गया, ए इज ग्रेटर 3000। प्लस क्यों लगाया मैंने, समझ रहे हो, जोड़ने के लिए स्ट्रिंग को नंबर को, ठीक है। देखो रिफ्रेश किया, आ गया ए इज इक्वल 300, 3000, ठीक है। नोट कर लो अलर्ट बॉक्स, सब एक बना लो फाइल अलर्ट बॉक्स। जैसे अलर्ट बॉक्स होता है ना, अलर्ट बॉक्स, ठीक है। दीपक मैंने क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसको अपलोड कर दूंगा, देख लेना उसको, ठीक है, जो भी मैंने पढ़ाया था। तो अभी आप ये देखो कंफर्म बॉक्स क्या होता है, कंफर्म बॉक्स होता है कंफर्म करना, ठीक है। देखो जैसे देखो ये लिखा है मैंने, कंफर्म डू यू लाइक अवर वेबसाइट। अलर्ट में क्या होता है, सिंपल एक ओके आता है, कंफर्म में दो बटन आते हैं, देखो एक ओके एक कैंसिल, दिख रहा है आप उनको, एक ओके और एक कैंसिल। ओके में पूछता है आपसे, जैसे एटीएम से रुपये निकालते हो, पूछता है कि आपको स्लिप चाहिए कि नहीं चाहिए, तो ओके कर देते हो, नहीं चाहिए तो आप कैंसिल कर देते हो। तो इसको हम लोग बोलते हैं कंफर्म बॉक्स, ठीक है। तो इस पे प्रोग्राम देखो छोटा सा, सिंपल सा, देखो यहां पे मैंने क्या लिखा, कंफर्म, ठीक है, और लिखा पी एन इन्फोसिस और लगा दिया क्वेश्चन मार्क।
अब ब्राउजर पे क्या आएगा कि आप पीएन फोर्सेस को जानते हो, जैसे आप ओके बोलोगे तो इस ए में क्या आ जाएगा, ओके आ जाएगा। तो इफ कंडीशन चलेगी ए में क्या आ जाएगा, ओके, तो अलर्ट में क्या प्रिंट होगा, थैंक्स, ठीक है, और कैंसिल करूंगा तो अलर्ट में क्या प्रिंट होगा, सॉरी। देखो देखो आ रहा है पीएन इन्फोसिस, जानते हो क्वेश्चन वाला क्या आ रहा है, मैंने कहा ओके तो क्या आ गया, थैंक्स, रिफ्रेश किया, देखो कैंसिल, सॉरी, ठीक है, एंटर दिया, पीएन इन्फोसिस जानते हो, ओके थैंक्स, रिफ्रेश किया, कैंसिल किया, सॉरी, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कंफर्म बॉक्स, ठीक है, इसको नोट कर लो आप लोग, कंफर्म बॉक्स को। नाम चलो अब बात करते, अब का बनाओ फाइल प्रोम्प्ट बॉक्स, मतलब प्रोम्प्ट अब बना लो फाइल सब लोग, एक प्रोम्प्ट बॉक्स, माइक बंद कर लो, माइक जिसका माइक चालू हो गया है माइक बंद कर लो, माइक बंद कर लो, माइक देखो सब लोग प्रो, अभी तक देखो ये प्रो का ये बनाया था हमने भाई, ये वाला बनाया था। तो अभी हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे हम खुद परसेंट टाइप करते थे, याद है, यहाँ पे हम लोग खुद डालते थे परसेंटेज कि 40 में कौन सा डिवीजन बनेगा। तो मैं इसको भी रन करूं, तो देखो यू आर इन थर्ड डिवीजन, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे अलर्ट लगा दिया, डॉक्यूमेंट की जगह हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, अलर्ट बॉक्स लगा दिया, देखो ठीक है, यहाँ पे हमने लगा दिया अलर्ट बॉक्स, ठीक है, डॉक्यूमेंट की जगह पर। अब हम चाहते हैं कि हम यूजर से इनपुट लें, यूजर से इनपुट लें हम, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पे प्रोम्प्ट, देखा है ना प्रोम्प्ट, पाइथन में इसको अपन इनपुट बोलते हैं, पाइथन में इसको बोलते हैं हम लोग इनपुट बॉक्स, ठीक है। तो अब देखो यहां पे हम यूजर से इनपुट लेंगे, यहां पे रन की रन किया, देखो एंटर और परसेंटेज आ रहा है। अब मैंने डाला 30, ये किससे आया, ये आया प्रोम्प्ट बॉक्स लगाने से, लिखा है ना प्रोम्प्ट, ये प्रोम्प्ट इसका यूज करने से आया है, ठीक है। अब डाला 30, वो क्या आ गया, यू आर इन फेल, फिर रन किया मैंने, देखो अब मैंने डाला 50, यू आर इन सेकेंड डिवीजन, मैंने डाला 100, यू आर इन मैरिड, ठीक है, समझ आ गया कैसे काम कर रहा है ये, ठीक है। यूजर से इनपुट लेने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, प्रोम्प्ट बॉक्स का यूज करते हैं, याद रखना जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। तो आप एक बना लो फाइल प्रोम्प्ट डॉट एचटीएमएल नाम से, बाकी ये कोड मैं आपको चैट में दे रहा हूं, बड़ा कोड है ना, नोट करोगे टाइम चले जाएगा इसमें, ये गूगल चैट में दे रहा हूं, आप लोग यहां से ले लो, गूगल चैट में दे रहा हूं, यहां से आप ले लो, ठीक है, गूगल चैट में से आप ले लो जो वाला कोड। एक बनेगी फाइल प्रोम्प्ट बॉक्स डॉट एस टी एम एल नाम से, एक फाइल बनेगी प्रोम्प्ट बॉक्स डॉट एस टी एम एल, उसमें ये नोट कर लो, यूजर से इनपुट लेने के लिए हम लोग यहां पे प्रोम्प्ट बॉक्स का यूज करते हैं,
हो गया, कॉपी कर लिया आप लोगों ने कोड से? हाँ जी सर। बाकी लोगों का नोट हो गया। चलो देखो, समझ आया था ना सबको? अब समझते हैं लूप क्या होते हैं। सब लूप जानते हैं? लूप जैसे हमने अभी स्टेटमेंट देखा, इफ देखा, इफ एल्स देखा, एल्स इफ देखा, स्विच देखा, है ना? ऐसे आते हैं लूप। लूप का नाम सुना है आप लोगों ने? कोई बताएगा लूप, व्हाट इज लूप? बताएगा कोई रिपीटेशन लूप क्या करना होते हो हैं? सर किसी पढ़े होंगे चीज सी में। का, सर हाँ, किसी रिपीटेशन चीज करना को हो, रिपीट रिवर्स करना हो। रिवर्स करना हो। हाँ 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 रिपीटेशन करना हो, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं? लूप का, है ना? लूप का यूज हम आगे चल के बहुत करेंगे, जब हमें डेटा डिस्प्ले कराना होगा। जब हम डेटा डिस्प्ले कराएंगे MongoDB से, तो वहां पे लूप का यूज करेंगे। ठीक है, तो आपने सुने होंगे वाइल होता है, एक डू वाइल होता है, एक फॉर लूप होता है। ये बेसिक लूप होते हैं, सी के अंदर पढ़े जाते हैं। ठीक, अभी देखा जाए तो हम सी ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। किसी भी वेब डेवलपमेंट पे काम करने के लिए, चाहे आप जावा से काम करो, PHP से काम करो, नोड जेएस से काम करो, किसी से भी काम करो, ये एक बेसिक है जो हर एक स्टूडेंट को आना चाहिए। जैसे मैंने आपसे पूछा कि स्विच केस क्या काम करता है, तो आपको पता होना चाहिए। एल्स इफ क्या काम करता है, आपको पता होना चाहिए। ऐसे लूप क्या काम करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे कहा सर रिपीटेशन करते हैं, तो सबको पता होना चाहिए। ठीक है, वाइल लूप जानते हो क्या करता है? वाइल लूप में सबसे पहले क्या होता है? कंडीशन चेक होती है। ठीक है, वाइल लूप में सबसे पहले क्या होता है? कंडीशन चेक। लूप का अपन यूज क्यों करते हैं कि सिंपल समझो, मान के चलो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, वहां पे यूजर आ रहा है और फॉर्म भर के सबमिट कर रहा है। यूजर आ रहा है, फॉर्म भर के सबमिट कर रहा है। अब वो डेटा हमें कॉलेज को दिखाना है। ठीक है, डेटा कॉलेज को दिखाना है टेबल के फॉर्मेट में, तो हम क्या करते हैं, वहां पे लूप लगा देते हैं। तो लूप से क्या रहता है कि जितनी बार यूजर डेटा इंसर्ट करता रहेगा, उतनी बार हमारा लूप वो डिस्प्ले कराता रहेगा डेटा को। ठीक है, लूप ये तो होता है रिपीट करना, चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना, जब तक डेटा आता रहेगा तब तक आपका लूप चलता रहेगा। आप समझते हैं थोड़ा प्रैक्टिकल इसको? देखो, सबसे पहले आता है हमारा व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप को समझते हैं पहले। ठीक है, कैसे काम करता है, तो कोई बताएगा इसका आउटपुट क्या आएगा? देखो, ये हमारा होता है इंक्रीमेंट। सब लोग सर देखें, ये लिखा ना ए प्लस प्लस, अरे ये लिखा ना ए प्लस प्लस, ये वन इंक्रीमेंट है। सेवन चाहे आप इस तरीके से ऐसे लिख लो, चाहे आप ऐसे लिख लो, देखो दिख रहा है ए इक्वल ए प्लस वन। ठीक है, और चाहे आप इस तरीके से लिख लो ए प्लस प्लस, सेम है दोनों। ठीक है, वन का इंक्रीमेंट करना। तो अब बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा, कोई बताएगा क्या प्रिंट होगा, क्या आउटपुट आएगा? तो थोड़ा मुझे मालूम पड़े कि आपको लूप आता है कि नहीं आता। आएगा सर, ट्वेल्व आएगा क्या सर, आएगा? 12 12 आएगा? 12 कहां जी से आ जाएगा? क्या आएगा बताओ आउटपुट? सर, 1 से 10 इसको देखो, तक ये तो वैल्यू देखो, प्रिंट होगी सर ये शायद। लो, ये लो, ये लो, ये मैंने चालू कर, ये बंद था ना अभी, अब देख लो। अब देखो इतना कोड है, बताओ क्या आउटपुट आएगा? सब बताया करो, एक दो लोग मत टू बताओ, सर, बताओ बाकी जिसको आता है बता सकता है ना क्या? टू से आएगा, टू से क्या आएगा? सर ऐसे कंडीशन से ए को चेक करा टू सर, से वायल क्या में आएगा? 10 से छोटा है, ठीक है सर, फिर एक और बढ़ा एक देगा से टू दस सर, तक प्रिंट होगा सर, हो 1 से 10 तक प्रिंट हाँ, होगा एक से जाएगा दस सर। तक प्रिंट होगा। ठीक है, अब कैसे होगा ये मैं समझा देता हूँ। देखो हमने क्या कहा था, देखो यहाँ पर ये कंडीशन है, थोड़ा समझना आप लोग जिसको नहीं पता कैसे काम करता है लूप। ठीक है, मैं फिर समझा रहा हूँ। देखो, तो वाइल के अंदर सबसे पहले कंडीशन चेक होती है, ये हमारी क्या है? कंडीशन। अब देखो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ना कंपेरिजन ऑपरेटर, तो आप ये नहीं कह सकते सर ये क्या है ना? अब ये कंडीशन चेक होती है, तो यहां पे क्या कह रहा है कि ए छोटा है, ए छोटा है, बंद हो गया क्लास,
हाँ, ए छोटा या इक्वल है 10 से। सही बात है, ए छोटा है ना, ए 1 है, 10 से छोटा है। अब कंडीशन ये क्या हो गई, ट्रू हो गई, तो हम लूप के अंदर आ गए या अंदर आ गए, ये अंदर आप लोग आ गए, अंदर आ गए। अब लूप से बाहर कब जाओगे, जब ए बड़ा होगा 10 से, तब है ना सब लोग। अब इस लूप से बाहर कब निकलेंगे, जब ए बड़ा होगा 10 से तब बाहर निकल पाएंगे। मतलब घर के ए अंदर की आ गए वैल्यू हो, इस 11 घर से बाहर आएगी। आप तभी निकल पाओगे जब ए की वैल्यू 11 होगी। ठीक है, ये तो लूप कहता है, जब तक कंडीशन ट्रू है ये, तब तक लूप चलेगा। ठीक है, अब नीचे आए अपन, यहां पर नीचे तो क्या प्रिंट होगा, ए में 1 प्रिंट हो जाएगा, ये 1 आ गया। फिर इंक्रीमेंट हुआ, अब ए की वैल्यू कितनी हो गई, पहले ए की वैल्यू 1 थी, अब ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, ये 2 हो गई। अब यहाँ पे कितना आ गया, 2 आ गया। अब 2 भी छोटा है 10 से, छोटा है तो कंडीशन ट्रू हो गई। तो अब यहाँ पे ए में क्या प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा। फिर यहाँ पे थ्री इंक्रीमेंट होगा, अब कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 भी छोटा है 10 से, तो फिर कंडीशन ट्रू हो गई, यहाँ 3 आ गया। आ गया, ऐसे ही चलता रहेगा। इंक्रीमेंट होता है। जब यहाँ पर 10 आएगा, जब यहाँ पर 10 आएगा, ठीक है, अब फिर यहाँ पर 10 हो गया, देखो 10, तब भी कंडीशन ट्रू है 10 में, क्योंकि यहाँ पे इक्वल लगा है ना, यहाँ पे क्या लगा, जी इक्वल। इक्वल क्या कहता है, इक्वल हो रहा है ना, इक्वल है तब भी कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे 10 प्रिंट हो जाएगा, वही 1 2 3 4 5 6 7 9 10। ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 होगा। अब जैसे यहाँ पे 11 होगा, तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो हम क्या फॉल्स चले गए, लूप लूप से से बाहर बाहर आ गए। ठीक है, तो क्या प्रिंट देख नहीं रहा हुआ, है। 1 से लेके 10, नहीं बाहर निकला है ना अपन। ठीक है, इसमें ब्रेक की जरूरत नहीं पड़ती है, इसमें ब्रेक का कोई जरूरत नहीं है, वो तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी वैसे आप लूप से बाहर निकल जाओ, अंदर ही जा पाओगे। अब यहाँ पे ए में 11 है, तो कंडीशन तो फॉल्स होगी ना, तब अंदर एंट्री नहीं हो पाओगे। ठीक है, समझ आ गया ये कैसे काम करता है, सब लोग वैल्यू जी समझ आ गया, सर, किस तरीके से वैल्यू चल रहा है। यस सर, कोई डाउट हुआ करे मैं फिर कह रहा हूँ, पूछ लिया करो, आप चुपचाप नहीं बैठा करो, सर नहीं समझ में आया सर दोबारा बता दो, क्योंकि ये छोटे छोटी चीजें हैं, अगर ये समझ में नहीं आया तो लॉजिक नहीं बना पाओगे आप लोग। ठीक है, अब आप बताओ, चलो अब इसका बताओ क्या पढ़ाएगा, चलो बताओ, बताओ क्या पढ़ाएगा, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं आउटपुट। सर 10-1 तक चलेगा। बाकी लोग बताओ क्या चलेगा, बताएं बाकी लोग क्या आउटपुट आएगा। बताएं भाई, एयर और किसी को नहीं पता आउटपुट क्या आएगा, क्या आउटपुट आएगा, जी आएगा ना सर, क्या आएगा। बाकी लोग 15-16 लोग हो, बताओ भाई आउटपुट क्या आएगा, सर सबका 10 से लेके बताओगे, 1 तक पढ़ते नहीं हो आएगा घर पे। सर, 10 से 1 तक ठीक है, आएगा। दो लोगों ने बताया 10 से बनता है, बाकी लोगों को नहीं पता, आप लोग पढ़ा सर 10 करो। से अगर 1 मैं तक अभी भी कह रहा हूं कि ही आएगा सर, अगर आप माइनस ये में चीज वैल्यू नहीं प्रिंट बता होगी पा रहे हो सर। ना, हाँ, नहीं, 10 से देखो, ये माइनस लिखा है ना, ए माइनस माइनस डिक्रीमेंट होगा, डिक्रीमेंट होगा, एक कम होता जाएगा। देखो मैं समझाता हूँ, समझो यहाँ पे क्या लिखा है, फिर समझो, मैं वही तो कह रहा हूँ कि नहीं आ रहा तो मुझसे पूछ लो, आप समझ रहे, ये बेसिक चीजें हैं, ये आना चाहिए आपको। देखो यहाँ पे लिखा है ए 10, अब कंडीशन, ये कंडीशन चेक होती पहले, तो क्या ए बड़ा है, इक्वल है 1 से। सही बात है, ए तो बड़ा है 1 से, कंडीशन ट्रू हो गई, यहाँ पे 10 प्रिंट हो गया। अब ए माइनस माइनस, अब चाहे आप ऐसे लिख लो, ऐसे बात बराबर है, ठीक है, चाहे ऐसे लिख लो। ठीक है, तो अब यहाँ पे कितना था, ए 10 था, 9 रह गया, एक कम हो गया। अब यहाँ पे 9 आ गया, 9, अब 9 भी बड़ा है तो यहाँ पे 9 प्रिंट होगा, ऐसे यहाँ पे 8 आ जाएगा, यही चलता रहेगा, ऊम तक चलता रहेगा सारे लोग, समझ आ रहा है। अब जैसे यहां पे मांग, चलो यहां पे 1 हुआ,
ये वन हो गया तो तब भी कंडीशन ट्रू हो गई, वन आ गया। अब यहाँ पे जीरो आ जाएगा, फिर यहाँ पे जीरो आ जाएगा, तो कंडीशन क्या होगी, ये फॉल्स हो जाएगी, तो अपन लूप से बाहर निकल जाएंगे। तो आउटपुट क्या आएगा बताओ, 10, 9, 8 ऐसे आएगा ना, उल्टा चलेगा ना रिवर्स में। देखो दिखाता हूँ चला के आपको। आज प्रोग्राम दूंगा बनाने को, आपको बस पता होना चाहिए लूप काम कैसे करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ठीक है, ये वाला ठीक है। अब इसको मैं खोल दूंगा तो ये कैसे चलेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 चला है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ठीक है, नोट कर लो उसको दोनों को आप। एक साथ दो नहीं चलेंगे है ना, एक एक करके चेक करना आप लोग ठीक है, ये दो एक साथ नहीं चलेंगे, पता है ना क्यों नहीं चलेंगे, लेट लगाए ना दोनों में, सेम वैल्यू है। ए नोट कर लो, डू वाइल लूप की, डू वाइल का नाम सुना है, डू वाइल में क्या होता है, इसको नोट करना, मैं एक मिनट आया, नोट करना आप लोग डू वाइल को। पीछे की क्लास सर यूट्यूब पे मिल जाएगी।
नोट हो गया। एक बनेगी फाइल डू वाइल डॉट एच टी एम एल नाम से, डू वाइल डॉट एच टी एम एल। डू वाइल डॉट एस टी एम एल। अब समझो कैसे काम करता है डू वाइल। सब लोग डू वाइल देखो कैसे काम करता है। यहां पे तो मैं लिखा लेट ए स्क्वल टू 100। डू वाइल में क्या होता है कि डू वाइल में एक बार कंडीशन चलेगी ही चलेगी, मतलब एक बार प्रिंट होगा ही होगा। देखो ये देखना, अब अंदर आ गए, ये प्रिंट हो गया। ए में कितना है 100, एक बार 100 प्रिंट हो गया, फिर यहाँ पे 101 हो गया, ठीक है। फिर जाके कंडीशन चेक हो रही है यहाँ पे, देख रहा। अब कंडीशन चेक हो रही है, अब यहाँ क्या, ए छोटा या इक्वल टू से है, अब ए तो बड़ा है तो कंडीशन फॉल्स हो गई। मगर एक बार तो चल गया ना ये, देखो देखो मैं रन करता हूँ। डू वाइल वन टाइम तो प्रिंट होगा ही होगा, क्योंकि तो इसमें बाद में कंडीशन चेक होती है डू वाइल में, एक बार तो वो प्रिंट कर ही देगा। देखो अभी देखो चल गए, एक बार सो आलो पी एन फोर्सेस है ना। डू वाइल में याद रखना कि वन टाइम तो प्रिंट होगा ही होगा। और कोई पूछेगा वाइल और डू वाइल में डिफरेंस क्या होता है, तो आप बोलोगे वाइल में कंडीशन पहले चेक होती है। देखो कंडीशन पहले चेक होती है वाइल में, इसके बाद स्टेटमेंट चलता है। और डू वाइल में क्या होता है, कंडीशन बाद में चेक होती है, ठीक है। याद रखना डिफरेंस, वाइल में कंडीशन पहले चेक होती है और डू वाइल में कंडीशन बाद में चेक होती है, ठीक है। नोट कर लो उसको। ऊपर वाले को रिपीट कर दीजिए सर, ऊपर वाला रिपीट कर दीजिए एक वाइल बार। में हाँ देखो देखो यहाँ पे देखो, डू स्टार्ट हुआ, अंदर आए, ये प्रिंट हो गया, क्या प्रिंट होगा, ये में 100 प्रिंट हो गया, यहाँ पे 100 ये प्रिंट हो गया ये। फिर इंक्रीमेंट हुआ, चाहे ये लिख लो चाहे आप लोग ये लिख लो, यहाँ पे कितना हो गया 101 हो गया। फिर नीचे आके कंडीशन चेक होती है। अब कंडीशन क्या चेक हो रही है, क्या 101 छोटा है इक्वल है टू से, बताओ। 101 तो बड़ा हो गया ना, तो ये कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो गई ना, तो अपन क्या हुआ, डू वाइल से बाहर निकला है। मगर एक बार तो प्रिंट हो गया ना ये, एक बार देखो ये प्रिंट हो रहा है ना यहाँ पे, ये देखो, ठीक है। डू वाइल में कंडीशन बाद में चेक होती है, याद रखना वाइल में कंडीशन पहले चेक होती है, ठीक है, याद रखना आपको इतना, नोट कर लो। सब नोट कर लो।
समझ आ गया इतना सबको?